मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सरसी गांव में चूल का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। इस मौके पर धधकते हुए अंगारों पर नंगे पैर चलते हुए लोग नजर आए, जो हंसकर इसके ऊपर से निकल रहे थे। श्रद्धालुओं के अनुसार हनुमान भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं, इसलिए यहां से इस तरह से आयोजन हर वर्ष किया जाता है। वहीं रात्रि में देश के जाने माने भजन कलाकार भगवत जी सुधा द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर कई श्रद्धालु भजनों पर जमकर थिरके। साथ ही आपको बता दें कि राजा हनुमान मंदिर पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। इसे देखने के लिए कई ग्रामीण जन पहुंचे और राजा हनुमान मंदिर पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं इस मौके पर सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव ने हेलीकॉप्टर में बैठकर राजा हनुमान मंदिर पर पुष्प वर्षा करने का लाभ लिया। वहीं पुलिस प्रशासन एवं कई बड़े अधिकारी इस कार्यक्रम में पहुंचे। सेवक हूं और कभी कभी श्रद्धा के साथ ऊपर शिखर पर जाकर शिखर दर्शनम भगवान हरि दर्शनम तुल्य फल देता है, तो अच्छा लगा हमें भगवान के शिखर के ऊपर पुष्प की वर्षा कर। भगवान सभी भक्तों को निरोगी रखे, सुखी रखे। आगे हमारी वरिष्ठ महाराज हाँ, ये पुष्प वर्षा जो की आपने, ये कहाँ की और तहसील के स्तर पर की, या जिले के स्तर पर की, या ग्रामीण क्षेत्र के? यह रतलाम जिले का गांव सरसी है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 12 वर्षों से चूल तेरस महामहोत्सव नाम का एक बड़ा भव्य आयोजन होता है। आसपास के सभी ग्रामीण लगभग यहाँ 15,000 से ज़्यादा श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, और आगामी पहले भी कुछ वर्षों में यहाँ चूल तेरस महामहोत्सव में हेलीकॉप्टर से कई भक्तों ने पुष्प वर्षा का लाभ लिया। इस समिति का एक ही उद्देश्य है कि कई भक्तों की इच्छा होती है कि हेलीकॉप्टर में बैठना, तो मात्र ये छोटी सी शुल्क राशि लेकर वो राशि भी इस महायज्ञ में आहुति के रूप में दी जाती है। और इतनी कम राशि में जब ग्रामीण जनता कभी हेलीकॉप्टर को देख नहीं पाती है, छू नहीं पाती, वो बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। तो मेरा समिति को बहुत बहुत साधुवाद, और आगे भी भगवान महादेव और बालाजी ऐसी कृपा करते रहे कि ग्रामीण जनता और ग्रामीण भगत भी हेलीकॉप्टर में बैठने का सौभाग्य और लाभ प्राप्त करें। जय। सरसी से पवन धाकड़ की रिपोर्ट।